नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में चैप्टर नंबर 2 से हम पर्सनावली 2.2 करेंगे। देखिए, आज की इस क्लास में हम आपको दो ही चीज़ आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जो बात है वो हमारी है कि द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, और दूसरा कि द्विघात बहुपद से शून्यंक निकालने कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आपको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है, पहला जो है वो है शून्यंकों का योग। मतलब हमारे पास शून्यंक एक अल्फा है, एक बीटा है, दोनों को जोड़ेंगे जिसको हम लिखेंगे माइनस बी बटे में ए। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका शून्यंकों का गुणनफल, जिसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा सी बटे में ए। और तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग प्लस में अल्फा बीटा शून्यंकों का गुणनफल। देखिए, इन दो फॉर्मूलों को हम यहाँ पे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस जो ये बी होता है वो होता है एक्स का गुणांक, और जो ए होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि हम C की बात करें तो C को बोलते हैं स्थिर, मान, और दूसरा A की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम इनको हिंदी में इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कि पहला जो प्रश्न दिया है इसके अंदर आपके कई पार्ट दे रखे हैं, और यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि शून्यंकों को कैसे निकाला जाता है, और हम आपको शून्यंक भी निकाल के दिखाएंगे और शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की भी जांच करेंगे। देखिए, हमारे पास सबसे पहले है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस के आठ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम एक लगा लेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ए की जो वैल्यू है यहाँ पे एक है, बी की जो वैल्यू है बी का मान जो है माइनस दो है, और सी का जो मान है वो हमारा माइनस के आठ है। देखिए, इस प्रश्न को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाई स्टेप इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे पहले वाले की गुणा लास्ट वाले से करेंगे, हमारा आंसर आया आठ। हमने गुणा क्यों की, हमने इसलिए की क्योंकि हमें ये बीच वाली संख्या लेकर आनी है, तो इसलिए इस आठ के हम करेंगे गुणनखंड। देखिए, गुणनखंड हमें क्यों करने हैं, क्योंकि हमें ये दो लाइक लेकर आना है, एक के पारे में आठ आठ पे, दो के पारे में चार पे, तीन के पारे में आठ नहीं आता, चार के पारे में आठ आता है। तो ये देखिए, ये और ये सेम है तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसके बाद जितने भी हम गुणनखंड लेंगे वो हमारे बिल्कुल जो ये गुणनखंड आए उनके समान ही होंगे, इसलिए हमें करने की आगे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए, इन दो संख्याओं को एक बार आपस में प्लस कीजिए और एक बार यहाँ पे माइनस कीजिए। देखिए, यहाँ पर आठ और एक नौ होता है, और आठ में से एक गया कितना होता है, सात होता है।
दूसरी बात, यहां पे चार में दो जोड़ेंगे छह, और चार में से दो गया दो। देखिए दो की साउंड हमें पता चल गई कि दो आ गया, कैसे आया, चार में से दो गया, कितना आएगा दो। लेकिन यहां पे दो किसका है, माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस के दो को माइनस का दो करेंगे अपनी मर्जी से। जब इसको बदल रहे हैं तो इनको भी हम बदलेंगे, तो यहां पे क्या आ गया, माइनस के चार प्लस में दो। कैसे, ये माइनस का था तो हमने प्लस का कर दिया, जो प्लस का है वो हमने माइनस का कर दिया। तो यहां पे कैसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस में दो एक्स माइनस के आठ। देखिए यहां पे अंडरलाइन करेंगे, और यहां पे अंडरलाइन करने के बाद इन दोनों में इसे कॉमन लेना है, और इन दोनों में इसे कॉमन लेना है। कैसे लेंगे, देखिए एक्स इज कॉमन, जो भी अल्फाबेट हम यूज करते हैं उसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद यहां पे देखिए, इसके आगे एक था, एक और चार दोनों ही नंबर सिस्टम में है, तो यहां पे देखिए एक और चार एक के ही पारे में आएगा। यहां पे आपने ये देखना है कि जो ये नंबर है दोनों ही एक ही पारे के अंदर आना चाहिए, तो यहां पे एक हम ले या ना ले एक अलग बात है। अब इन दोनों की जगह पे हमने क्या करना है, कॉमन इसमें से निकाल लेना। देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, जिसको कि हम एक्स गुणा में एक्स भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स से हम भाग करेंगे यानी कि निकालेंगे, केवल एक्स बचा, तो यहाँ पे हमारा एक्स आया माइनस। फिर हमारा ये चार एक्स, एक्स से हम इसको भाग करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हमारा आएगा चार। देखिए अब जो यहाँ पे आया वही इसका आंसर होगा, इन दोनों का कॉमन निकालने से आंसर होगा। अब यहाँ पे कॉमन कैसे लगाएंगे, हम इनमें से कॉमन कैसे लेंगे, तो इन दोनों में पहले वाला कौन है, दो एक्स है, इन दोनों में पहले वाला कौन है, एक्स है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आएगा, दो आएगा। तो आप देख भी सकते हैं, दो एक्स को जब दो से डिवाइड करोगे एक्स बचेगा, और दो को दो से आठ को करोगे तो माइनस के चार बचेगा। तो इस तरह हमारे ये कॉमन हमने ले लिए इन दोनों में से, एक्स माइनस चार इन दोनों में से कोई एक लेंगे, जो बाहर है उन दोनों में से हम कोई एक लेंगे। तो एक्स माइनस चार बराबर जीरो, तो एक्स का मान कितना गया चार। दूसरा एक्स प्लस दो बराबर जीरो, तो एक्स का मान आया हमारे पास माइनस के दो। यहाँ पर हम इनको, एक को अल्फा मानेंगे और दूसरे को बीटा मानेंगे, अल्फा और बीटा, और हम यहाँ पे जांच करनी शुरू करेंगे। जांच में क्या करना है, यहाँ लिखना है शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा की वैल्यू चार है, प्लस में बीटा की वैल्यू माइनस दो है, माइनस बी की वैल्यू माइनस दो है, और ए की वैल्यू हमारी एक है, तो चार माइनस दो और माइनस माइनस प्लस दो, तो दो बराबर में दो, यानी कि हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं शून्यंकों का गुणनफल, क्या लगाते हैं, शून्यंकों का गुणनफल, अल्फा बीटा सी बटे में ए। अल्फा की वैल्यू चार गुणा में माइनस दो, और यहाँ पे सी का मान हम लेंगे, सी का मान हमारा कितना है, माइनस के आठ, और ए का मान हमारा एक। तो देखिए यहाँ पे चार में दो की गुणा करेंगे तो यहाँ पे आए माइनस के आठ, और ये भी माइनस के आठ। तो हमने देखा कि यहाँ पे शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल जो है हमारे शून्यंकों के योग और गुणनफल के बराबर, यानी कि जो वैल्यू इस तरफ दी है लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड दी है वो बराबर है। इसके बाद हम पार्ट नंबर टू की बात करते हैं। पार्ट नंबर टू में देखिए, ए इक्वल चार है, बी इक्वल माइनस के चार है, और सी इक्वल एक है। तो एक एक करके हम इस सम को करेंगे। देखिए हमारे पास चार एस स्क्वायर माइनस, अब मैं इसको लिख लेता हूँ, चार एस स्क्वायर माइनस चार एस प्लस एक।
हमें पता है ए का मान यहाँ पे 4 है, बी का मान हमारा यहाँ पे -4 है और सी का मान यहाँ पे 1 है। अभी स्टेप वाइज स्टेप हम काम करेंगे, पहले वाले की गुणा लास्ट वाले से करनी है। आंसर हमारा आया 4। 4 के हमें करने हैं टुकड़े। कैसे? 1 की गुणा 4 में 4 पे, 2 की गुणा 2 पे, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 4 आता है 1 पे। ये और ये सेम है इसलिए इसको हटा देते हैं। अब ये दो ऐसे कॉमन फैक्टर है कि इनसे ही हमारा ये बीच वाला आएगा। जैसे 4 में 1 जोड़ोगे 5 हो जाएगा, नहीं आया। 4 में से 1 घटाया, नहीं आया। लेकिन 2 प्लस में 2 4 होता है और 4 हमारा आ तो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो हम इसको माइनस करेंगे। ये प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4s² - 2s - 2s + 1। अब हम इनमें कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। इन दो में कॉमन लेना है और इन दो में कॉमन लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन लेंगे s, जो भी अल्फाबेट हम यूज करते हैं उसको हमने ले लेना है s। ये हमारा 4 है, ये हमारा 2 है। तो आप ये देखिए 4 और 2 किसके पहाड़े के अंदर आते हैं, तो 2 के, तो 2 कॉमन होगा, इसलिए इसकी जगह पे और इसकी जगह पे हमने वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले मैं 4s² को s से डिवाइड करूँगा, लेकिन मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। s से s कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2s है, तो 2 से ये 4 भी स्प्लिट हो गया, 2 पे 2s बचा। तो यहाँ पे हमारा कितना आया 2s माइनस, नेक्स्ट आप देख रहे हो 2s है और 2s से ही डिवाइड करना है, तो 1 पे जाएगा 2s। जो यहाँ पे आया वो हमने यहाँ पे ही लिखना है। और इसमें कॉमन कैसे लेते हैं, साइन तो माइनस का ही लगेगा। ये 2s है, ये भी 2s है। कितने पे कटा? 1 पे कटा, जो हम ऑलरेडी कर चुके थे 1 पे। अब देखिए जो अंदर है वो हमने 1 लिख लिया, क्योंकि 2 है, 2 में से केवल 1 ही लिखेंगे। और जो बाहर है उनको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। सबसे पहले 1 को माइनस का है तो इधर आके प्लस का, और ये इधर गुणा में है तो इधर भाग का। 2s - 1 = 0। 2s ये माइनस का है तो प्लस का, और गुणा में है तो भाग में। हमारे जो 1 हम इसको अल्फा ले लेंगे 1/2, 1 को हम बीटा लेंगे 1/2। अब हम बात करेंगे शून्यंकों का योग। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, शून्यंकों का योग 1/2 + 1/2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4 और ए की वैल्यू भी 4। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम होगा। जब नीचे वाले सेम होते हो तो ऊपर वाले भी सेम होते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इससे, और यहाँ पे 4/4 सॉल्व करेंगे, 2/2 = 4/4 that is equal to 1। ऐसे ही हमें करना है शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल करना है। और कैसे गुणनफल करना है, इसका फॉर्मूला होता है c/a। गुणनफल अल्फा की वैल्यू 1/2 गुणा में बीटा की भी 1/2 और c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। तो 1 की गुणा 1 से 1, 2 की गुणा 2 से 4, 1/4। तो ये देखिए दोनों आंसर हमारे जो है इक्वल है। तो इस तरह हमने एक सेकेंड पार्ट करना है। इसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा अजीबोगरीब मामला है कि 6x^2, ये 7x आगे आएगा, साइन के साथ आएगा, और माइनस के 3 पीछे जाएगा, क्योंकि ये लीनियर तो है, रैखिक तो है, लेकिन इनको पावर के हिसाब से अरेंज नहीं कर रखा।
तो अब हमें क्या करना है, पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करनी है, ये आपका आ गया 18। अब 18 के हमने क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। 18 के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। एक के पारे में 18, 18 पे, दो के पारे में 9 पे, तीन के पारे में 6 पे, चार और पांच के पारे में 18 नहीं आता, छः के पारे में आता है 3 पे। देखिए ये और ये सेम है, इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ। और हमें लाना है माइनस के 7x। देखिए नंबर सिस्टम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक बार इसको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। 18 में एक ऐड कर दो, जोड़ दो, 19 हो जाएगा। 18 में से एक घटा दो, 17 हो जाएगा, तो ये तो आएगा ही नहीं। 9 में से दो गया 7। देखिए लिख के देखते हैं हम, 9 में से दो गया 7, यहाँ पे 7 प्लस का, यहाँ पे 7 माइनस का, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस का 7, ये प्लस का और ये माइनस का। तो यहां लिखेंगे 6x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 2x माइनस के 3। इन दोनों में हम इक्वल लेंगे, बराबर लेंगे। कैसे, मैंने आपको बोल रखा है जो भी अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं वो तो कॉमन होगा ही। उसके बाद नंबर सिस्टम को देखेंगे। नंबर सिस्टम है 6 और ये है 9। ये देखना दोनों किसके पारे में आता है, 6 और 9 जो होता है वो हमारा किसके पारे में आता है, 2 के पारे में, सॉरी 3 के पारे में आता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। अब हमें लिखना है इस ब्रैकेट के ही अंदर कैसे, 6x की पावर 2 हम स्प्लिट करके लिख रहे हैं और 3x है, x से ये x कैंसिल हो गया, 3 से ये 2, तो यहाँ पे आया 2x। माइनस 9x है, 3x से डिवाइड करना है, तो ये आएगा 3, तो 3। अब जो यहाँ पे आया वो हमने दूसरे कॉमन सेक्शन में भी लिखना है। अब इनका कॉमन कैसे आता है, पहले और पहले वाले की भाग करते हैं, 2x से 2x को भाग करेंगे, 2 एकम 2। अब आप देखिए यहाँ पे 2x माइनस में 3 इन दोनों में से लिया, और 3x प्लस 1 हमने बाहर वाले लिए, और दोनों को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रख के चलना है हमने। कैसे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का, और गुणा में है तो यहाँ पे आपने लिखना है भाग में, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x ये माइनस का 1 और x बराबर -1/3। तो 1 को हम क्या लेंगे, अल्फा लेंगे, अल्फा की वैल्यू 3/2 है, बीटा की वैल्यू -1/3 है, और हम अब क्या करेंगे, हम इनको जांच के लिए देखेंगे कि जांच में क्या ये हमें सही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग हमारा है अल्फा प्लस बीटा -b/a। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ए की वैल्यू जो है 6 है, बी की वैल्यू -7 है, और सी की वैल्यू -3 है। तो यहाँ देखिए अल्फा 3/2 प्लस बीटा हमारा -1/3, माइनस बी की वैल्यू हमारी -7 है, और ए की वैल्यू हमारी 6 है। 3/2 -1/3 बराबर 7/6, दोनों का एलसीएम हो गया 6। 2 को यहाँ पे भाग करेंगे 6 से, 3 आएगा, और 3 की गुणा 3 में 9, माइनस 3 की 6 से भाग करेंगे 2, 2 एकम 2। ध्यानपूर्वक देखिए, 9 में से 2 गया 7/6, 7/6 ये हमारा बराबर आया। अब हमें शून्यंकों का गुणनफल देखना है। शून्यंकों का गुणनफल होता है c/a। तो हमारे पास यहां 3/2 गुणा में -1/3 बराबर c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 6। 3 एकम 3 वो भी माइनस का, 3 दुनी 6, -3/6।
दोनों ही यदि कटते हो तो काट दो और नहीं तो दोनों ही आपके बराबर दिए गए हैं। इसके बाद इसको करने के बाद आपने पार्ट नंबर 4 करना है जो कि थोड़ा सा इससे अलग है, कैसे सोल्व करना है। देखिए फोर्थ पार्ट आपको दिया है 4u² + 8u, और आप यहां पे ध्यान से देखिए a की जो वैल्यू है वो 4 है, b की वैल्यू जो है वो 8 है और c की वैल्यू नहीं दी गई, तो c की वैल्यू हम 0 लेंगे। तो देखिए इन दोनों में ही कॉमन लेना पड़ेगा, u इज कॉमन। अब नंबर सिस्टम को देखते, ये 4 है ये 8 है, दोनों ही बताने की किसके पार इमाए, 2 के में भी और 4 के में भी, तो हमें हाईएस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा लेना है, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे। अब 4u² है तो हमारा u बचेगा, प्लस 8u है तो u से u कैंसिल, 4 से 8 2 पे कैंसिल। अब इन दोनों को हमें रखना है 0 के बराबर, एक तो ये 0 के बराबर, तो 0 बटे में 4 आया तो आंसर हो गया 0। u प्लस 2 बराबर 0 तो u की वैल्यू जो है माइनस के 2 आ गया। अल्फा की वैल्यू जो हम मान रहे हैं वो 0 है और जो बीटा की वैल्यू हम ले रहे हैं वो माइनस के 2 है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सॉरी हम हिंदी में लिखेंगे शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं, माइनस बी बटे ए, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस माइनस के 2, माइनस बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 4, ये माइनस 2 हो जाएगा और ये भी आपका देख लो माइनस 2 हो जाएगा 4 से जब हम इसको काट देंगे। इसके बाद शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है सी बटे ए, अल्फा की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई माइनस 2, सी की वैल्यू 0 बटे में ए की वैल्यू आपकी दे रखी 4, तो यहाँ पे देखिए ये 0 तो ये भी 0। इस तरह देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से था, आसान है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5th की, जो कि वैसा ही है जैसे कि हमने पार्ट नंबर 4 किया है। ए की वैल्यू यहाँ पे देख रहे होंगे आप 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि दी नहीं रखी, सी की वैल्यू जो है वह आपकी माइनस के 15। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए t² - 15 बराबर में 0 है और t² ये माइनस का इधर आ गया तो हमने ले लिया इसको इधर, 15 प्लस का हो गया। अब हम वर्गमूल वर्ग हटाएंगे, यहाँ पे लगेगा वर्गमूल और वर्गमूल का मतलब है 1 प्लस और 1 माइनस, तो यहाँ पे टी की जो वैल्यू है वो 1 प्लस का होता है और 1 टी की वैल्यू जो है वो माइनस के 15। कहने का मतलब है अल्फा की वैल्यू हमने ले ली प्लस के 15 और बीटा की वैल्यू ले ली माइनस के वर्गमूल 15। अब हमें जांच करनी है और जांच में सबसे पहले हम लेते हैं शून्यंकों का योग। क्या बोलते हैं ये बार बार फॉर्मूला लिखवाने का मतलब है कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अल्फा आपका है वर्गमूल 15 प्लस में माइनस के वर्गमूल 15 बराबर माइनस बी की वैल्यू 0 और 1 की वैल्यू 1, तो वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0 और 0 इसका भी आंसर। इसके बाद हम लेते हैं शून्यंकों का गुणनफल, वो होता आपका अल्फा बीटा जिसको बोलते हैं सी बटे ए, अल्फा की वैल्यू वर्गमूल 15 मल्टीप्लाई माइनस वर्गमूल 15 इक्वल सी की वैल्यू माइनस 15 और ए की वैल्यू 1, तो ये आ गया हमारा माइनस के 15, ये भी हमारा माइनस के 15। इसके बाद पार्ट नंबर 6th देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसकी गुणा इससे हो जाएगी और यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू माइनस 1 है और सी की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 4 है।
ये आया यहाँ पे 12, 12 के करने हमने टुकड़े, और टुकड़े करने से आप देखिए यहाँ पे एक के पारे में 12, 12 पे, दो के पारे में 6 पे, तीन के पारे में 4 पे और 4 के पारे में 3 पे, दोनों सेम है इसलिए इसको हटा देते हैं। हमें लाना है 1x, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 12 और 1 13, 12 में से एक गया 11, नहीं है। 6 2 8, 6 में से 2 गए 4, नहीं है। लेकिन 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, लेकिन 1 हमें माइनस का चाहिए है, इसलिए हमें क्या करना है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है और ये माइनस के 4 है, तो हमने इसको देखना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 3x की पावर 2 माइनस 1x माइनस 4, और हमने जब ऐसे पोजीशन सोल्व की तो यहाँ पे आया 3x की पावर 2 माइनस 4x प्लस में 3x माइनस के 4, इन दोनों में आपने लेना है कॉमन। अब यहाँ पे देखिए x मैंने बता रखा है, x तो कॉमन लेना ही आपने, ये 3 है, नंबर की बात करें ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि 3 और 4 एक ही पारे के अंदर नहीं आते। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 3x, यहाँ आएगा 4, ऐसे ही 3x माइनस के 4 और 3x से 3x कैंसिल 1, 3x माइनस 4 1 बॉक्स में लिखेंगे और x प्लस 1 एक बॉक्स में, 3x माइनस 4 बराबर 0 के 3x, ये माइनस का तो प्लस का और x बराबर प्लस का, इधर गुणा में है तो भाग में, x प्लस 1 बराबर 0 तो x की वैल्यू यहाँ पे आया माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू है जो 4/3 और बीटा की वैल्यू जो है माइनस 1। अब हम यहाँ पे करेंगे जांच, जांच में क्या करना है, शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं और इसका फॉर्मूला है माइनस बी बटे, देखिए अल्फा 4/3 है और प्लस में माइनस का 1 करना है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 और ए की वैल्यू है 3, तो हम क्या करेंगे 4/3 माइनस 1/1 या 1/3, नीचे हमने एलसीएम लिया 3 और 3 को 3 से भाग करेंगे 1, तो 4 एज इट इज माइनस 1 की भाग 3 से करेंगे 3, 3 एकम 3 1/3, तो 1/3 बराबर में 1/3, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद शून्यंकों का गुणनफल, अल्फा बीटा जो कि C/A होता है और अल्फा की वैल्यू 4/3 गुणा में माइनस 1 और C की वैल्यू आपने देखा होगा माइनस 4 और A की वैल्यू जो है 3, तो माइनस 4/3 बराबर माइनस के 4/3। तो देखिए पहले प्रश्न के अंदर 6 पार्ट आपको दे रखे थे और 6 के 6 पार्ट हमने 1 by 1 करके आपको समझाए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और वो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था द्विघात बहुपद निकालने का, जिसके शून्यंकों का योग और यहाँ पे लिखना है गुणनफल। क्या लिखना है, गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। तो यहां देखिए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को लेते हैं, ये दे रखा आपको शून्यंकों का योग जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं और फॉर्मूला मैंने आपको बताया B/A और जिसकी वैल्यू है 1/4। दूसरा शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल मैंने आपको बताया अल्फा बीटा जो कि वैल्यू जिसकी होती है C/A जिसका मान है माइनस 1। यहाँ पे हमने निकालना है द्विघात बहुपद, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद x² - α + β x α β। देखिए x² - α + β की वैल्यू है 1/4 x प्लस में,
इसकी वैल्यू माइनस के एक। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे चार एक्स माइनस एक। देखिए ये इतना भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको यदि लीनियर यानी कि रेखिक की फॉर्म में लिखना है तो आपने इनका बराबर जीरो लगा के एलसीएम ले लेना है। देखिए एलसीएम हमारा कितना आया, चार आया। एक की चार से भाग करोगे चार, चार की एक्स से चार एक्स स्क्वायर माइनस चार की चार से एक आएगा, एक एक्स माइनस एक की चार से चार एकम चार बराबर जीरो। तो ये आ गया चार एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स माइनस के चार, और जीरो की चार में करोगे तो आंसर होगा आपका जीरो। तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद बन गया है। इसके बाद पार्ट नंबर टू की बात करते हैं। पार्ट नंबर टू में जैसे कि पार्ट नंबर फर्स्ट में लिखा शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए वैल्यू है वर्गमूल दो, ऐसे ही यहां लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा ये सी बटे ए जिसकी वैल्यू एक बटे तीन। हम यहाँ पे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वर्गमूल दो एक्स और एक बटे तीन। एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल दो एक्स प्लस एक बटा तीन। अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेने के लिए एलसीएम लिया, बराबर जीरो रखा, तीन की एक से करोगे, एक की तीन से करोगे तीन, तो तीन की इसमें तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक की तीन में तीन, तीन वर्गमूल दो रूट एक्स प्लस में तीन की तीन से एक और एक की गुणा एक में एक। अब हमें क्या करना है, तीन के गुणा इसमें जीरो में और एक यहाँ पे नीचे एक लगा सकते हैं हम ऐसे, तो इसकी गुणा इसमें करने तो यहाँ पे आएगा तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन वर्गमूल दो एक्स प्लस एक बराबर जीरो। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि किस तरह हमने सोल्व किया, थ्री एक्स की पावर टू माइनस थ्री वर्गमूल टू एक्स प्लस एक आया। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट जो है शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए जिसकी वैल्यू जीरो दे रखी है, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है जिसको सी बटे ए लिखेंगे जिसकी वैल्यू वर्गमूल पांच दे रखी है। कैसे द्विघात बहुपद निकालना है, तो सबसे पहले हम द्विघात का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो, एक्स प्लस वर्गमूल पाँच। अब यहाँ पे देखिए ये हिस्सा जो है, मैं कलर चेंज करके यहाँ पे इसको शो कर रहा हूँ, ये हिस्सा आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस में वर्गमूल पंद्रह, तो इसका हमारा ये आंसर रहेगा। इसके बाद बात करते थर्ड पार्ट की, सिंपल सी सॉरी फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या है, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए इसकी वैल्यू एक, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है वो होता है सी बटे ए जिसकी वैल्यू एक। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद जिसका फॉर्मूला मैं बार बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ, और ध्यान देना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स प्लस एक, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स प्लस एक, ये हमारा आ गया द्विघात बहुपद। इसके बाद हम पार्ट नंबर फिफ्थ की बात करते हैं, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस में बीटा
माइनस बी बटे ए जिसकी वैल्यू है माइनस एक बटे चार, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा सी बटे ए एक बटे चार। द्विघात बहुपद, दोबारा से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के एक बटे चार एक्स प्लस एक बटे चार, सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे, माइनस माइनस प्लस एक बटे चार एक्स एक बटे चार। अब हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, बराबर करेंगे जीरो के, और एक एक लगाएंगे, चार इसका एलसीएम, एक से चार की चार एक्स स्क्वायर, चार को चार से करेंगे एक, तो यहाँ पे एक एक्स, और चार को चार से करेंगे एक, तो यहाँ लिखना अपने चार एक्स स्क्वायर एक एक्स प्लस एक, और चार की जीरो से जीरो। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में, जैसे कि फोर्थ पार्ट में वन कोमा वन है, यहाँ पे फोर कोमा वन है, तो हमें क्या करना है, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, इसकी वैल्यू है माइनस एक बटे सॉरी इसकी वैल्यू है केवल चार, और यहाँ लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा सी बटे ए एक। तो यहाँ पे आपने याद रखना है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे चार एक्स प्लस एक, सॉल्व करेंगे चार ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस चार की एक्स से चार एक्स और एक। देखिए ये सिंपल सा था, जैसे कि पार्ट नंबर फोर। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नहीं है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, और जिस भी स्टूडेंट को यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर क्वेश्चन को भेजें। थैंक यू।